मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश में आज से 50 वर्ष पहले लगाए गए आपातकाल को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि रात के अंधेरे में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार ने कैसे भारत के लोकतंत्र को नष्ट करने का प्रयास किया था। उस समय सभी विपक्षी दलों के नेताओं को, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, जयप्रकाश नारायण जैसे नेताओं को जेल में डालकर लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज जब हम उस आपातकाल को याद करते हैं तो पाते हैं कि कांग्रेस में भले ही चेहरे बदल गए, लेकिन आज भी चरित्र वही है। ये लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, लेकिन ये भारत के बाहर जाकर भारत को और उसके लोकतंत्र को कोसते हैं, भारत की चुनाव प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, भारत के अंदर हर चुनाव की प्रक्रिया में बाधा पैदा कर ईवीएम पर दोषारोपण कर अपनी अकलमर्यता का भी परिचय देते हैं। मित्रों, भारत के संसदीय लोकतंत्र का एक काला अध्याय आज से ठीक 50 वर्ष पूर्व आज के दिन ही देर रात्रि में हुआ था, जब कांग्रेस की तत्कालीन सरकार ने भारत के संविधान का गला घोंटते हुए लोकतंत्र को पूरी तरह समाप्त करने की साजिश रची थी। पच्चीस जून 1975 रात के अंधेरे में श्रीमती इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार ने कैसे भारत के लोकतंत्र को नष्ट करने का प्रयास किया था। उस समय के सभी विपक्षी दलों के नेताओं को, उसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी, श्री मोरारजी देसाई जी, श्री जयप्रकाश नारायण जी, श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी और विपक्ष के सभी नेताओं को बंद करके लोकतंत्र के गले को पूरी तरह घोंटने का प्रयास किया था। आज जब 50 वर्ष के उपरांत हम इमरजेंसी की उन यादों को स्मरण करते हैं तो स्वाभाविक रूप से कांग्रेस में चेहरे बदले होंगे, लेकिन उसका चरित्र, उसके हाव भाव आज भी वही हैं जो 1975 में एक बर्बर चेहरा उस समय में कांग्रेस पार्टी का देखने को मिला था। कैसे उन्होंने संविधान की मूल आत्मा कही जाने वाली प्रियम्बल में संशोधन करके उसकी आत्मा को नष्ट करने का प्रयास किया था। कैसे कांग्रेस ने उस समय देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया था। कैसे न्यायालय के अधिकारों को कांग्रेस पार्टी ने उस समय में बंधक बना के रख दिया था और आज भी कांग्रेस पार्टी में भले ही नेतृत्व बदला हो, लेकिन उसका चेहरा बदला हो, लेकिन चरित्र तो उसका आज भी वही है। ये लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, लेकिन भारत के बाहर जाकर के भारत के लोकतंत्र को कटघरे में खड़ा करते हैं, भारत की चुनाव प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, भारत के बाहर जाकर के